अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम बनाएंगे आलू बैंगन चिकन के साथ। इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें मैंने लिए हैं बैंगन, आलू लिए हैं, एक बड़ा प्याज लिया है, टमाटर, लहसुन, बोनलेस चिकन, पकाने के लिए तेल, सुर्ख मिर्च, हल्दी, नमक, पिसा हुआ सूखा धनिया, पिसा हुआ गर्म मसाला। सबसे पहले हम प्याज और लहसुन को छील के काट लेंगे। प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। इसके अंदर ही हम लहसुन काट लेंगे जो छील के रखा था। टमाटर को भी इसके अंदर ही काट लेंगे। टमाटर को धो लिया मैंने। प्याज लहसुन और टमाटर हमारा कट के तैयार है। देर के चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसमें अब मैं शामिल कर दूंगी कटा हुआ प्याज, लहसुन और टमाटर। जब तक हमारा मसाला तैयार होता है तब तक हम अपने चिकन को काट लेते हैं। चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे।
तकरीबन 600 ग्राम हमने चिकन लिया है। चिकन को काट के मैंने धो लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे ये जो हमने लहसुन प्याज और टमाटर चूल्हे पे खाए हैं, इसमें अब हम अपना मसाला डालेंगे, सारे मसाले, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, दो तीन मिनट तक इसको पकाएंगे। दो तीन मिनट तक भूनने के बाद इसको इसमें हम शामिल करेंगे चिकन जो हमने धो के रखी थी। अब इसको भूनेंगे। आंच हल्की कर देंगे। अब हम काट लेंगे अपनी सब्जी, आलू छील लेंगे सबसे पहले हम। आलू छील लेंगे, अब इनको काट लेंगे। इस तरह से ज्यादा बड़े टुकड़े नहीं काटेंगे आलू के हम। अब इनको हम धो लेंगे। अभी आलू इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन में जो मैंने काट के धो के रखे हैं, अब इनको शामिल कर देंगे। बैंगन को हम एंड में डालेंगे क्योंकि बैंगन को गलने में इतना टाइम नहीं लगता, आलू और चिकन को थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए इन दोनों को मैंने पहले शामिल किया, बैंगन एंड में शामिल करेंगे। अब उसको भी हम काट लेंगे, धो के काट लेंगे बैंगन को हम। बैंगन को धो लिया, अब इसको हम काट लेंगे।
टुकड़ों में हमने काट लिया है बैंगन को। चिकन को हिला लेंगे। चिकन को तेज आंच पे भून लेंगे हम, थोड़ा पानी खत्म हो जाए इसका। फिर इसमें बैंगन शामिल करेंगे हम जो हमने काट के रखा हुआ है। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने कटे हुए बैंगन। भून लेंगे आप अच्छी तरह कि नमक मिर्च बैंगनों को भी लग जाए। अब इसको हम भूनने के बाद इसको अब हल्की आंच पर ढक्कन लगा के हम रख देंगे कि अच्छी तरह हमारी सारी ये सब्जियां और चिकन जो है गल जाए। ढक्कन लगा देंगे। आंच मैंने हल्की कर दी है, अब हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। ढक्कन हटा के देख लेंगे, चिकन हमारी बनके तैयार है। अब इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज मिर्च, गरम मसाला और सूखा पिसा हुआ धनिया। सब्ज़ धनिया फ्रीज किया हुआ, ताज़ा तो नहीं है मेरे पास लेकिन ये के फ्रीज के हुआ इसमें शामिल करेंगे हम। अब डिश में निकाल लेंगे हम। मज़ेदार हमारी आलू बैंगन और चिकन की सब्जी बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।